हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आप लोग ये सोच रहे हैं कि 2021 में हम YouTube चैनल स्टार्ट करें या ना करें, तो ये बिल्कुल सही टाइम है आपके YouTube चैनल को स्टार्ट करने के लिए। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक YouTube चैनल एक सही तरीके से कैसे क्रिएट किया जाता है, इसको क्रिएट करने का सही तरीका क्या है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, YouTube चैनल क्रिएट करने के लिए आपके पास सबसे पहले एक Gmail अकाउंट होना चाहिए। फ्रेंड्स, कई लोग अपनी ओल्ड Gmail अकाउंट ही यूज कर लेते हैं, जिससे फ्यूचर में चल के उनको काफी दिक्कत होती है, जैसे उनका चैनल हैक हो जाता है या फिर उनका कुछ डेटा लीक हो जाता है, क्योंकि इससे पहले आपने उस Gmail अकाउंट को कई वेबसाइट पर यूज किया होगा। तो फ्रेंड्स, इस सबसे बचने के लिए आपको एक न्यू जीमेल अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप अपने क्रोम ब्राउजर में जाएं। ये काम आप लैपटॉप या पीसी किसी पर भी कर सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि जीमेल अकाउंट को कैसे क्रिएट किया जाता है। सबसे पहले आप क्रोम को अपने पीसी या मोबाइल किसी भी डिवाइस में ओपन कर लीजिए और उसके सर्च बार में क्रिएट जीमेल अकाउंट टाइप कीजिए। उसके बाद आपको सर्च लिस्ट में आए हुए सबसे पहले लिंक पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपके सामने गूगल का एक पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और यूज़र नेम फिल करने को बोला जाएगा। इसको फिल करने के बाद आपसे पासवर्ड क्रिएट करने को बोला जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप अपने अकॉर्डिंग एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करते ही गूगल आपसे मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन के लिए नंबर पुट करने को बोलेगा, तो आप यहाँ पे अपना नंबर पुट कर दीजिएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नंबर पुट करके नेक्स्ट करते ही गूगल आपके मोबाइल नंबर पे 6 नंबर का एक वेरिफिकेशन कोड सेंड करेगा। मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन होते ही गूगल आपसे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने को बोलेगा, तो आप इसके सारे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लीजिएगा। बस आपकी जीमेल अकाउंट क्रिएट हो गई। ये तो था कि जीमेल अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका यूट्यूब चैनल क्रिएट करने का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। चलिए बढ़ते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ। जीमेल अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपको अपने लैपटॉप या स्मार्टफोन में यूट्यूब का एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। एप्लीकेशन में एंटर करने के बाद आपको YouTube चैनल के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अपने YouTube में न्यू क्रिएट किए हुए ईमेल आईडी से लॉगिन कर लेना है। YouTube में Gmail साइन इन करने के बाद आपको राइट कॉर्नर में एक ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। आपको उस पर क्लिक करते ही एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसमें लिखा होगा YouTube चैनल, आपको उस ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के साथ ही आपके सामने एक पॉपअप शो होने लगेगा। इस पॉपअप में YouTube आपसे पूछ रहा है कि आपको अपने चैनल का एक कस्टम नेम चूज करना है या फिर Google खुद ही आपको एक नेम चूज करके दे देगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप कस्टम नेम पर क्लिक करके एक अच्छा सा नाम चूज कर लीजिए, जो कि काफ़ी यूनिक हो, क्योंकि बहुत से न्यू चैनल क्रिएटर एक कॉमन नेम चूज कर लेते हैं और उनका चैनल सर्च लिस्ट में शो ही नहीं होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका चैनल सर्च लिस्ट में शो हो, तो आप अपना एक कस्टम नेम चूज कर लीजिए। जैसे ही आप अपना चैनल नेम चूज कर लेते हैं, उसके बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिए, आपका चैनल क्रिएट हो गया। बट आपको अभी इसमें कुछ सेटिंग्स करनी है, जो आपको मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल क्रिएट होने के बाद आपको वापस यूट्यूब के होम चैनल पे आ जाना है। एप्लीकेशन में एंटर करने के बाद आपको YouTube चैनल के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपको आपका प्रोफाइल और कस्टमाइज चैनल का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ से आप अपने चैनल को कस्टमाइज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे, लेआउट, ब्रांडिंग और बेसिक इन्फॉर्मेशन। यहाँ से आप ब्रांडिंग पे क्लिक कर लेंगे। ब्रांडिंग पे क्लिक करते ही आपको प्रोफाइल पिक्चर, बैनर और वाटरमार्क का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ से आप इन तीनों को अपलोड कर सकते हैं। जैसे अगर आपको प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करनी है, तो यहाँ पे आप अपलोड पे क्लिक करेंगे और जो भी फाइल आपको अपलोड करनी है, जैसे कि मैं मान लेता हूँ ये फाइल मुझको अपलोड करनी है, तो यहाँ से ये सिलेक्ट करके मैं इसको ओपन कर दूँगा और इसको डन कर दूँगा। डन करते ही ये फाइल अपलोड हो गई। फ्रेंड्स, आपको प्रोफाइल पिक्चर और बैनर क्रिएट करने के लिए प्ले स्टोर और गूगल पर बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी, जिससे आप इन दोनों को क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना एक प्रोफाइल पिक्चर अपलोड कर दिया है, उसके बाद आपको यहाँ पे पब्लिश कर देना है। पब्लिश करने के बाद एक इम्पॉर्टेंट काम और बचता है, जो कि है आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, बेसिक इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखने को बोला जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको वो इन्फॉर्मेशन लिखनी है जो आप अपने चैनल पे प्रोवाइड करने वाले हैं। जैसे कि अगर आप टैक्स से रिलेटेड कोई वीडियो डालने वाले हैं, तो यहाँ आप टैक्स से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। और अगर आपके अकाउंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी हैं, तो वहाँ के लिंक अकाउंट आप यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी के लिए कुछ ऐसे ही लिख देता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर देंगे,
उसके बाद आपको यहाँ से अपनी इन्फॉर्मेशन को पब्लिश कर देना है। बस अब आपका चैनल प्रोफेशनली क्रिएट हो चुका है, अब बस आप अपनी वीडियो क्रिएट करिए और चैनल पे अपलोड करिए। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, अगर आपको YouTube पे ग्रोथ करनी है तो आपको अपने वीडियो रेगुलरली YouTube पे अपलोड करने होंगे। अगर आप अपनी वीडियो YouTube पर रेगुलरली अपलोड नहीं कर पा रहे हैं तो आपके चैनल के ग्रोथ होने के चांसेस बहुत ही कम हैं। तो फ्रेंड्स आपको अपने चैनल के ग्रोथ के लिए वीडियो रेगुलरली अपलोड करनी होगी। फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपका इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी और यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो देखने में है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि चैनल पे जब भी वीडियो अपलोड हो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।